डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। अ लार्ज ट्रक एंड अ कार बोथ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड वी, ठीक है, हैव अ हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब है पहले वो देखते हैं, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये है कि सपोज दिस इज द कार, ठीक है, और दिस इज द ट्रक सपोज, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये होता है कि सपोज ये कार वी वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है और ये बस वी वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों का जब कोलिजन होगा, ठीक है, इन दोनों का जब कोलिजन होगा तो उस कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग दोनों कार, ट्रक और जो कार है, वो दोनों मैग्नीट्यूड वी से जा रही है, यानी दोनों की वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड वी है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम कम टू अ हॉल्ट, दोनों कोलिजन के बाद रुक जाते हैं, कोलिजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड। तो हमें ये पता करना है विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एक्सेलरेशन, एंड वाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक, ठीक है। तो आइए एक एक करके सारे पार्ट समझते हैं। सबसे पहला ए, विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। तो ये देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को याद करिए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो सपोज अगर कोलिजन के समय कार बस पे एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, तो जो ट्रक है वो भी कार पे F मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, ठीक है, इनका बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, अदरवाइज फोर्स दोनों का सेम ही रहेगा। सो इक्वल फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस बोथ विल एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स। नाउ विच व्हीकल विल एक्सपीरियंस ग्रेटर चेंज इन, तो अगेन यहाँ पे वही हो जाता है कि जो ये होता है, देखिए F इक्वल्स क्या हो जाता है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, अब यहाँ पे अगर f इंटू टी कर दे, f इंटू टी कर दे, तो m इंटू वी माइनस यू हो जाएगा और ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो फोर्स इंटू टाइम, अब देखिए फोर्स तो इक्वल लग रहा है, ठीक है, और टाइम 1 सेकेंड का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का जो चेंज है वो सेम ही है, ठीक है। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम बस पे लगे, बस का जो चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, वही बस, वही चेंज इन मोमेंटम कार का भी होगा, ठीक है। मे बी किसी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, किसी का वेलोसिटी अलग मैग्नीट्यूड से चेंज करे, किसी का और ट्रक का भी अलग मैग्नीट्यूड से चेंज करे, लेकिन इनका जो मास है, ठीक है, डिफरेंट मास जो है वो कॉम्पनसेट कर देगा उस चीज़ को, और फाइनली दोनों में जो चेंजेस आएंगे मोमेंटम के वो इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन एम, ठीक है, फोर्स अपॉन मास होती है। अब फोर्स तो दोनों व्हीकल पे, दो एक कार और इस ट्रक पे, दोनों पे इक्वल लग रही है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारे एग्जांपल में ये जो कार है उसका मास कम है, सो कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एंड वाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक। यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कार में जो एक्सेलरेशन होगी वो ज़्यादा होगी ट्रक के कंपैरिजन में, ठीक है, तो इस हिसाब से उसमें जो चेंज इन फाइनल जो वेलोसिटी अचानक से चेंज आएगा, ठीक है, वो जो इम्पल्स लगेगा, इम्पल्स क्या होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए काम करने वाला फोर्स होता है, ठीक है, वो जो लगेगा वो कार पे ज़्यादा होगा, ठीक है, इस वजह से कार में ज़्यादा डैमेज आएगा,